तो ये एचपी का लैपटॉप है कस्टमर का, और इसका जो है हम सी ड्राइव का डेटा दूसरी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके लैपटॉप में डल रही है एसएसडी, और वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है और ये 6th जनरेशन लैपटॉप है, तो इसमें हम एसएसडी लगा रहे हैं, और एसएसडी भी और हार्ड डिस्क भी, तो इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी। तो आपको इस पूरी वीडियो में ये दिखाते हैं कि इसमें एसएसडी और हार्ड डिस्क, एसएसडी और हार्ड डिस्क मतलब दोनों एक साथ कैसे रखते हैं। तो SSD इंस्टॉल हो चुकी है, लैपटॉप भी पैक कर दिया है और विंडोज़ भी डाल दिए। तो विंडोज डल चुकी है, अब लैपटॉप का डेटा चेक करते हैं। डेटा सारा आ चुका है।